पंजाब सरकार वालों एक होर तोहफा दिता गया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों पटियाला दे नवे बस अड्डे का उद्घाटन कर दिता गया। तुहानू दस दिए कि नवा बस स्टैंड पटियाला राजपुरा हाईवे ते बनाया गया है। इस बस अड्डे दे विच मुसाफरां दे लई अति आधुनिक सहूलत मुहैया करवाईया गईयां ने। इस दे नाल ही नवे बस अड्डे दे बनन दे नाल शहर विच ट्रैफिक की समस्या भी हल हो जाएगी, जिस दे नाल इत्थों दे लोकां नू काफी राहत मिलेगी। दस दिए कि नवे बस स्टैंड के उद्घाटन समय मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी के होर भी विधायक मौजूद रहे। लोगों के इकट्ठ को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में लंबे समय बाद विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलंधर जिमनी चोण के प्रचार के लिए बहुत जोर लगाया, हुण लग रहा है कि पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने लिए ही प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर दिन नवे स्कीम का उद्घाटन किया जा रहा है, सरकार लोगों की समस्यावां पुछ के उन्हों का हल कर रही है। पंजाब के लोगों का भी कहना है कि 20 साल बाद जीरी की पनीरी नहरी पानी के नाल लाई जा रही है, साफ नीयत के नाल सब कुछ किया जा रहा है। दस दिए कि पटियाला के नवे बस अड्डे का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बस अड्डे 45 काउंटर हैं, इतों 1500 बसा रवाना कीतियां जानियां ने। बस स्टैंड से 45 काउंटर ने, लगभग एक दिन च 1500 बसा जाणगियां। लेटेस्ट मॉडल का बस स्टैंड है जी, 4 लिफ्टां ने, जिहड़े कोई परमात्मा वल्लों कोई मार पईआ पंग व्यक्ति ने अपाहज व्यक्ति ने उन्हां लई रैंप भी है, पौड़ियां भी ने। ते इह बस अड्डा एक कमाऊ पुत बनूगा, इत्थे दुकानां भी खुलणगियां, इत्थे सब लेटेस्ट मॉडल का पानी पीण वाला आम लोगों नूं फ्री सहूलतां, बहुत शानदार बाथरूम वो मिलने। पहला सिर्फ गंद जिहड़ा सी बस अड्डे ही हुंदा सी, असी इहनूं हुण पटियाले तो शुरू कर रहे हैं। एक बस अड्डा पटियाले वाला हैगा जिहड़ा हैगा वह भी रहूगा, एक जिहड़ा हुण नवां शुरू कर रहे हैं। सो पटियाले दे विच इह मॉडर्न बस स्टैंड जिहड़ा अज खुल्लिया है, 60 करोड़ दे लगभग पैसा लग्गिया, 8.25 एकड़ जमीन है। जो भी होर कई कई गल्लां इह हुंदियां ने ना, मशीनरी नूं वरते तो पता लगता हुंदा है। कई बस अड्डा चलण तो बाद शायद कोई इस तरह दियां कमियां सामने आउण, नाल दी नाल पूरी शरीरक तौर ते अपाहिज लोकां लई 4 लिफ्टां रैंप ते पौड़ियां बनाईयां गईयां ने। नवे बस अड्डे ते दुकानां भी खोलियां जाणगियां, इस दे नाल ही इस विच होर भी सहूलत मुहैया करवाईयां जाणगियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि पुराना बस अड्डा भी बनया रहेगा और हुण नवा बस अड्डा शुरू किया जा रहा। दस्सदे कि मान ने कहा कि 8.25 एकड़ जमीन से बने इस नवे बस अड्डे की उसारी से 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए ने। उन्होंने भरोसा दिता है कि इतों बस अड्डे की आवाजाई शुरू होने तो बाद जो भी कमियां पेशियां रह जाएगी उन्होंने भी पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। लोगों नूं पंजाब सरकार वालों एक होर तोहफा दिता गया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों पटियाला दे नवे बस अड्डे का उद्घाटन कर दिता गया। तुहानू दस दिए कि नवा बस स्टैंड पटियाला राजपुरा हाईवे ते बनाया गया है। इस बस अड्डे दे विच मुसाफरां दे लई अति आधुनिक सहूलत मुहैया करवाईया गईयां ने। इस दे नाल ही नवे बस अड्डे दे बनन दे नाल शहर विच ट्रैफिक की समस्या भी हल हो जाएगी, जिस दे नाल इत्थों दे लोकां नूं काफी राहत मिलेगी। दस दिए कि नवे बस स्टैंड के उद्घाटन समय मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आम आदमी पार्टी के होर भी विधायक मौजूद रहे। लोगों के इकट्ठ को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में लंबे समय बाद विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलंधर जिमनी चोण के प्रचार के लिए बहुत जोर लगाया, हुण लग रहा है कि पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने लिए ही प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर दिन नवे स्कीम का उद्घाटन किया जा रहा है, सरकार लोगों की समस्यावां पुछ के उन्हों का हल कर रही है। पंजाब के लोगों का भी कहना है कि 20 साल बाद जीरी की पनीरी नहरी पानी के नाल लाई जा रही है, साफ नीयत के नाल सब कुछ किया जा रहा है। दस दिए कि पटियाला के नवे बस अड्डे का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बस अड्डे 45 काउंटर हैं, इतों 1500 बसा रवाना कीतियां जानियां ने। बस स्टैंड से 45 काउंटर ने,
लगभग एक दिन च 1500 बसा जाणगियां। लेटेस्ट मॉडल का बस स्टैंड है जी, चार लिफ्टां ने, जिहड़े कोई परमात्मा वल्लों कोई मार पईआ पंग व्यक्ति ने अपाहज व्यक्ति ने उन्हां लई रैंप भी है, पौड़ियां भी ने। ते इह बस अड्डा एक कमाऊ पुत बनूगा, इत्थे दुकानां भी खुलणगियां, इत्थे सब इस मॉडल दा पानी पीण वाला आम लोगों नूं फ्री सहूलतां, बहुत शानदार बाथरूम वो मिलणगे। पहला सिर्फ गंद जिहड़ा सी बस अड्डियां ते हुंदा सी, असी इहनूं हुण पटियाले तो शुरू कर रहे हैं। एक बस अड्डा पटियाले वाला हैगा जिहड़ा हैगा वह भी रहूगा, एक जिहड़ा हुण नवां शुरू कर रहे हैं। सो पटियाले दे विच ये मॉडर्न बस स्टैंड जिहड़ा अज खुल्लिया है, 60 करोड़ के लगभग पैसा लग्या, 8.25 एकड़ जमीन है। जो भी होर कई कई गल्लां इह हुंदियां ने ना, मशीनरी नूं वरते तो पता लगता हुंदा, कई बस अड्डा चलण तो बाद शायद कोई इस तरह दियां कमियां सामने आउण, नाल दी नाल पूरी शरीरक तौर ते अपाहिज लोकां लई चार लिफ्टां रैंप ते पौड़ियां बनाईआं गईआं ने। नवें बस अड्डे ते दुकानां भी खोलियां जाणगियां, इस दे नाल ही इस विच होर भी सहूलत मुहैया करवाईआं जाणगियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि पुराना बस अड्डा भी बनया रहेगा अते हुण नवां बस अड्डा शुरू किया जा रहा। दस्सदे कि मान ने कहा कि 8.25 एकड़ जमीन ते बने इस नवे बस अड्डे की उसारी ते 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए ने। उन्होंने भरोसा दिता है कि इत्थों बस अड्डे की आवाजाई शुरू होने तो बाद जो भी कमियां पेशियां रह जाणगियां उन्होंने भी पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जा iOS ते फ्री विच, रोकू अते Amazon Fire TV ते जा Apple TV ते। नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।